सभी देशवासियों को जीएस न्यूज टीम की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब भारतीय हैं, यह हमारे लिए गौरव की बात है। धनंजय कुमार उर्फ दमदम यादव, ग्राम पंचायत गोसाई गांव के मुखिया, सह मुखिया संघ अध्यक्ष, गोपालपुर प्रखंड। आज इस पावन बेला गणतंत्र दिवस के अवसर पे पूरे देशवासियों को और मेरे प्रखंड के सभी वासियों को शुभकामनाएं। मैं एक भारतीय हूं और हम लोग, हम सारे भारतीय मिलके इस गौरव गाथा को, गणतंत्र दिवस को मन से श्रद्धापूर्वक मनाएंगे, ताकि हमारे पूर्वज जो हमारे महापुरुष ने बलिदान दिए हैं, उनके आत्मा को शांति मिले और हमारे देश का झंडा सब दिन बुलंद रहे और लहराता रहे। मैं इसी के साथ अपने देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। गणतंत्र दिवस पर सभी छात्र छात्राओं, नवगछिया के नगरवासियों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस विषम परिस्थिति में हम लोग बहुत स्वस्थ रहे, हमारे नवगछिया से कोई भी अप्रिय घटना सामने नहीं आई, इसके लिए सभी को धन्यवाद। और हम लोग भी आगे बढ़ें और आने वाला समय अच्छा होगा, बुरे दिन के बाद अच्छा समय आता है, हम लोग आगे से इसको बढ़ें, यही कामना करते हुए सभी को बहुत-बहुत। यस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, 25 जनवरी को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए राष्ट्रीय सेना दिवस, बी राष्ट्रीय हिंदी दिवस, सी राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, या डी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर, अंग प्रदेश भागलपुर से मिथिला की संस्कृति का मिलन। यूं कहें तो प्रभु राम जी के ससुराल के लिए रेल मंत्रालय ने दी एक सौगात। मालदा रेल डिवीजन ने भागलपुर से जयनगर के बीच जयनगर भागलपुर स्पेशल एक्सप्रेस संख्या 055/54/53 ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया है। भागलपुर सांसद अजय मंडल, मालदा रेल मंडल के DRM यतेंद्र कुमार, कहलगांव विधायक पवन यादव, मेयर सीमा शाह ने सुबह 7:50 पर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। आपको बता दें कि इस ट्रेन के चलने से भागलपुर से लेकर मिथिलांचल तक के यात्रियों को फायदा होगा। ट्रेन भागलपुर से 7:50 खुलेगी और शाम 4:05 पर जयनगर पहुंचेगी। उसी तरह जयनगर से ट्रेन रात 8:30 खुलेगी और अगले दिन सुबह 5:15 पर भागलपुर पहुंचेगी। प्रतिदिन चलने वाली इस ट्रेन में तब तक सभी श्रेणी की सीटें आरक्षित रहेंगी, जब तक कि इसका परिचालन स्पेशल ट्रेन के रूप में होगी। ट्रेन में सेकेंड सीटिंग के 672, स्लीपर की 142, AC3 की 30 और AC2 की 24 सीटें हैं। चलिए, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज है? ये जयनगर यहाँ से मिथिलांचल जुड़ा नहीं हुआ था, जयनगर काफ़ी यहाँ से मतलब लोगों की डिमांड थी, तो सांसद जी और बाकी सारे जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयास से आज ये गाड़ी रेल मंत्रालय ने मतलब निर्धारित की और आज ये इसका शुभारम्भ किया गया है सांसद जी कर कमलों द्वारा। ये डेली है या सप्ते में? ये डेली है। इसका समय निर्धारित सुबह 7:50, मतलब आज इनॉग्रल रन था, कल से फॉर्मल उसमें आज भी बुकिंग हुई है इसमें, और उधर से जो आज शाम को वहाँ से चलेगी, मतलब ये इसका टाइमिंग डेली है। अगर चूँकि हमारे पड़ोसी देश नेपाल से सटा हुआ वो स्टेशन है और बहुत सारे लोगों को यहाँ से जयनगर जाने का मौका मिलता है, नेपाल जाने के लिए लोग चाहते हैं, डायरेक्ट कोई ट्रेन थी नहीं, इसीलिए इस ट्रेन को जयनगर तक चलाया गया। कि अगर एक जयनगर तक ट्रेन हो जाता तो हमारे पड़ोसी देश के समीप जा करके लोग उतर करके नेपाल जा करके बहुत सारे वहाँ जैसे गाँव का ऑपरेशन ऑपरेशन कराना है नेपाल में जिनको, उनको भी जाने में एक सुविधा प्रदान होगी और बहुत सारी समस्या का जो समाधान होगा, और लोग को एक जयनगर के लिए नेपाल से सटे बॉर्डर के लिए एक ट्रेन भागलपुर से जो डायरेक्ट मिली। कि मिथिलांचल रो पूरा परिवार हिन्ना रही छे और हिनकरो परिवार हुन्ना रही छे, और बहुत जरूरी छले आवागमन रो, कहीं जाय लगे छले घरे बहुत घूमि जाय लगे छले, ये सी ट्रेन हो जेला से बहुत सुविधा होले और एकरा खातिर रानी बहुत पर्याप्त।
और रेल प्रबंधक को भी धन्यवाद दै छिए कि ट्रेन अपना चलाए करी का बहुत का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। नवगछिया वाहन लदा ट्रक बना बर्निंग ट्रक, फायर ब्रिगेड ने किया काबू। विक्रमशिला सेतु पुल पहुंच पथ के एक पास एक वाहन लदा ट्रक बर्निंग ट्रक बन गया, लेकिन एक मोटरसाइकिल चालक ने समय रहते इसकी सूचना ट्रक चालक को देकर बड़ी घटना को टाल दिया है। तितरी 0 माइल के पास लोगों ने देखा कि भागलपुर की ओर जा रहे एक 18 चक्के ट्रक से धुआं उठ रहा है, लेकिन ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों के हल्ला करने के बाद भी चालक पूरी तरह से बेपरवाह था। एक युवा मोटरसाइकिल चालक ने ट्रक को ओवरटेक कर चालक को इसकी सूचना दी। तब तक ट्रक पर लोड वाहन में प्रचंड आग लग चुकी थी और ट्रक ने लगभग 8 किलोमीटर का सफर भी तय कर लिया था। सूचना के बाद ट्रक चालक और खलासी ने ट्रक से भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया। परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव समेत अन्य पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य किया है। वहीं 18 चक्का के टेलर गाड़ी का ड्राइवर नीरज कुमार ने बताया कि हम नवगछिया से भागलपुर की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक टेलर के ऊपर रखे दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गया। ड्राइवर सुरक्षित है ना? हाँ हाँ। गाड़ी खुला हुआ था क्या? गाड़ी नहीं, लगा हुआ था। पीछे आ गए थे ही आगे। नवगछिया डकैती कांड में 72 घंटे में उद्भेदन करने पर व्यवसायी ने एसपी व एसडीपीओ को किया समन। झंडापुर बाजार में बीते 16 जनवरी की रात कपड़ा व्यवसायी विनोद जैन के घर में हुए भीषण डकैती कांड का एसआईटी टीम ने नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के दिशा निर्देश पर महज 72 घंटे में न सिर्फ उद्भेदन कर दिया बल्कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए लूटी गई रकम व जेवरात को भी बरामद कर लिया। इसको लेकर सोमवार को डकैती कांड के शिकार हुए व्यवसायी विनोद जैन के संयोजन में नवगछिया में एसपी सुशांत कुमार सरोज व एसडीपीओ दिलीप कुमार को अंगवस्त्र व बुके भेंट कर सम्मानित किया। सम्मान करने वालों में वाणिज्य परिषद नवगछिया के व बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के कई सदस्य मौजूद थे। वहीं मौके पर प्रमंडलीय उपाध्यक्ष विनोद केजरीवाल, प्रमंडलीय सचिव दयाराम चौधरी, लायंस क्लब नवगछिया के उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, मड़वा पूरा बोलियाबाद के इंजीनियर सोनू मिश्रा सहित कई अन्य उपस्थित थे। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया के इस्माइलपुर में सर्व भाषा कवि सम्मेलन का आयोजन। इस्माइलपुर में सर्व भाषा कवि सम्मेलन का आयोजन अखिल भारतीय अंगिका साहित्य विकास समिति के तत्वाधान में किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर रमेश आत्मविश्वास ने किया तो सम्मेलन का उद्घाटन गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज और गोपाल मंडल ने किया। वहीं इस मौके पर अतिथि के रूप में राम अवतार राही, भगवान प्रलय, प्रभास चंद्र मतवाला, मीराजा कवित्री, महेंद्र निशाकर, साथी सुरेश सूर्य मौजूद थे। मन संचालन कवि श्रवण बिहारी कर रहे थे। इस अवसर पर इस्माइलपुर प्रखंड के कई श्रोताओं ने कवि सम्मेलन का आनंद लिया। नवगछिया युवा मंच के सदस्यों ने की गौ सेवा। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच नवगछिया शाखा के द्वारा मंच स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को स्थानीय गोपाल गौशाला नवगछिया के प्रांगण में गौ माता की सेवा कर मनाया गया। शाखा के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की हरी सब्जी, दाना एवं गुड़ शाखा के सदस्यों के द्वारा मुहैया कराया गया एवं सदस्यों ने अपने हाथों से गौ सेवा की। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष विकास सिरानिया, सचिव चेतन मुनका एवं सदस्य विशाल मुनका, राज चौधरी, रचित गडोरिया सहित कई अन्य उपस्थित थे।
एशिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा बर्गर नूडल्स जूस हॉट एंड कोल्ड कॉफी तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नवगछिया राजद नेताओं ने किया कटाव क्षेत्र का निरीक्षण। रंगना प्रखंड अंतर्गत बैसी जहांगीरपुर में राजद की ओर से जिला उपाध्यक्ष अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजद प्रत्याशी शैलेश कुमार, जिला अध्यक्ष अलग निरंजन पासवान, जिला आपदा सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा, आपदा के जिला अध्यक्ष अशोक यादव सहित कई अन्य उपस्थित थे। वहीं दूसरी ओर कोसी किनारे हो रहे भीषण कटाव का निरीक्षण राजद की ओर से सबों ने किया। मौके पर विपक्ष के नेता शैलेश कुमार ने गांव वालों को आश्वासन दिया कि जल्द ही संबंधित पदाधिकारी से मिलकर इस कटाव से मुक्ति दिलाई जाएगी। वीरेंद्र सिंह कुशवाहा फिर बने नौगछिया जदयू के जिलाध्यक्ष। जदयू के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कुशवाहा को एक बार फिर नौगछिया पुलिस जिला का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। पुनः जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने जिला जदयू कार्यालय पहुंचकर उन्हें बधाई दी है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया 40 जरूरतमंदों को जागृति शाखा ने बांटे कंबल। नवगछिया में रविवार को मारवाड़ युवा मंच नवगछिया जागृति महिला शाखा के तत्वाधान में शाम 7 बजे प्रोफेसर कॉलोनी में हरिजन परिवार एवं जरूरतमंद के बीच 40 कंबल का वितरण किया गया। बताते चलें कि पूरे भारतवर्ष में मंच स्थापना दिवस को युवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं सेवा कार्य में जागृति की बिना सराफ, कंचन खेमका, चित्रा टिबड़ेवाल, रेणु वर्मा, पूनम सराफ, रिंकी शर्मा, ऋतु चिरानिया, पूजा रुंगटा, दीपा यादुका, बबीता वर्मा के साथ साथ कई अन्य महिलाओं का भी सहयोग सराहनीय रहा। सराफ कॉलेज नौगछिया की NSS छात्रा आर्या कश्यप राष्ट्रीय ध्वज को दिल्ली में देगी सलामी। इस गणतंत्र दिवस के मौके पर नौगछिया स्थित बनारसी लाल सराफ कॉमर्स कॉलेज की NSS छात्रा आर्या कश्यप राष्ट्रीय ध्वज को दिल्ली में सलामी देगी। इसके लिए आर्या कश्यप का चयन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय विभाग बिहार द्वारा चयनित NSS की कुल 3 छात्राओं में से पहला स्थान रहा है। वहीं आर्या कश्यप ने 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक आगरा में इसके लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जबकि इससे पहले आर्या को तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के NSS कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार और सबौर कॉलेज के NSS कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार द्वारा प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया गया था। किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर रैली आज 8 स्थानों पर दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त। किसान आंदोलन के समर्थन में मंगलवार को महागठबंधन के द्वारा ट्रैक्टर परेड मंगलवार को 26 जनवरी के अवसर पर निकाला जाएगा। जिला कमेटी सदस्य भाकपा माले सह राज्य सह सचिव इंकलाबी नौजवान सभा के गौरी शंकर राय ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार की दोपहर 12:30 बजे नौगछिया के 33 माइल से दुर्गा स्थान होते हुए 14 नंबर रोड से मकरपुर चौक होते हुए अनुमंडल परिसर तक ट्रैक्टर रैली निकाला जाएगा। इधर किसान आंदोलन को लेकर निकलने वाले ट्रैक्टर रैली को लेकर अनुमंडल प्रशासन स्तर से सभी तैयारी पूरी कर दी गई है। ट्रैक्टर रैली को लेकर SDO अखिलेश कुमार ने 8 स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब वही मार्ट है आपके लिए तैयार। वही मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। वही मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। सुनते रहो
सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट रुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513।